गुलबर्ग खान वज़ीर-ए-आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब हो गए। गुलबर्ग खान बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान के कायदे ईवान मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर नज़ीर एडवोकेट की ज़ेर सदारत गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का अजलास हुआ, जिसमें पीटीआई हमख्याल ग्रुप का कोई रुकन नहीं आया, जबकि ईवान में अपोजिशन का एक रुकन मौजूद था। अपोजिशन रुकन नवाज खान नाजी ने गिलगित बल्तिस्तान के कायदे ईवान के लिए की गई राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। पीटीआई हमख्याल ग्रुप के राजा आजम खान, जावेद मनवा और राजा जक्रिया की जानिब से आज होने वाले चुनाव के बायकॉट के बाद हाजी गुलबर्ग बिला मुकाबला गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में कायदे ईवान मुंतखब हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले हाजी गुलबर्ग खान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की हमायत हासिल होने के बाद उनकी पोजीशन मुस्तहकम हो गई थी। हाजी गुलबर्ग के मद्दे मुकाबल उम्मीदवारों ने वज़ीर-ए-आला के लिए होने वाले इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान किया। बायकॉट करने में हम ख्याल ग्रुप के साथ इत्तेहादी जमातें, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन और इस्लामी तहरीक भी शामिल है। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले हाजी गुलबर्ग खान का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान के जिला द्यामीर से है और वो इससे कबल वज़ीर सेहत के फ्राइज सरंजाम दे चुके हैं। कैमरा टीम कैमरा हुसैन बलगारी, ABC न्यूज, गिलगित बल्तिस्तान।